नमस्कार, फर्स्ट इंडिया के खास कार्यक्रम आमने सामने में आपका स्वागत है। इंसान जब तक बच्चा है तब तक समझो सच्चा है, जो जो उसकी उम्र बढ़े मन पर झूठ का मैल चढ़े, क्रोध भरे नफरत घेरे लालच की आदत घेरे, बचपन इन बातों से हटकर अपनी उम्र गुजारे। लेकिन ज़माना अब बदल रहा है, बच्चों को भी अधिकारों और हकों के दायरे में लाया जा रहा है, बड़ों की जिम्मेदारी को अब बच्चों के हकों में बदल दिया जा रहा है, जमाना ही कुछ ऐसा बदल रहा है। आज हमारे साथ हैं बाल अधिकारों के लिए लड़ने वाली बाल अधिकार आयोग की नवनियुक्त अध्यक्ष श्रीमती मनन चतुर्वेदी। मनन जी, आप तो 100 बच्चों की माँ हैं, बालकों के अधिकारों के बारे में खूब जानती हैं। क्या है ये बाल अधिकार, क्योंकि ये तो बड़ा नया कंसेप्ट है। अभी तक तो बच्चों के प्रति कर्तव्य की ही जानकारी थी भारतीयों को, लेकिन ये बाल अधिकार भी अब नया कंसेप्ट क्या है ये? जब किसी चीज़ का घटना शुरू होता है तो उसी चीज़ की बढ़ाने की मांग होती है, किसी चीज़ की कमी होती है तो उसी चीज़ की पूर्ति की ज़रूरत होती है। बचपन एक तरफ, जब हम तरक्की करते जा रहे हैं तो वहाँ पर बचपन कहीं इग्नोर होता जा रहा है, और आजकल की जो सोसाइटी है, जो सिनेरियो है, उसमें बच्चों के अधिकार वास्तव में और उनकी मासूमियत और बचपन छिनता जा रहा है, तो उन्हीं की सुरक्षा और उन्हीं की रक्षा के लिए ये अधिकारों की बात है। क्या लगता नहीं है कि आपके पास तो 111 बच्चे हैं जिन्हें आप अपने बच्चों की तरह ही पालती हैं सबको, आखिर में क्या ऐसे कौन से अधिकार हैं जो बच्चों से छिनते जा रहे हैं? बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे आजकल आप देखिए कि पहले का जो बचपन था वो बहुत खुशनुमा था, आजकल के बच्चे वक्त से पहले ही बड़े हो रहे हैं, और सारी चीज़ें हैं करप्शन, वॉयलेंस, ये सारी चीज़ें बच्चों के साथ में जो होने वाली दिन रात की गलत घटनाएं हैं, वो सारी चीज़ें जिसमें कि हम चाइल्ड लेबर को या बैगर्स को या सेक्सुअल हैरेसमेंट्स को, इन सब चीज़ों को जब हम देखते हैं, और वो बच्चों के साथ ज़्यादा होती है क्योंकि उनको अपने अधिकारों का पता ही नहीं है, उनको अपनी रक्षा के लिए, आज मैं और आप किसी भी तरीके से प्रोटेक्टिव मोड में जा सकते हैं, वो अपने अधिकारों के लिए नहीं लड़ पाते, तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं कि बचपन कहीं खोसा गया है। मुझे लगता है मनन जी इसका एक, क्योंकि बच्चे तो भोले भाले होते हैं, उनको अधिकारों का क्या, उनको अपने बारे में ही नहीं पता होता कि वो क्या हैं, तो हम उनके अधिकारों की बात करते हैं, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो बड़ों की जिम्मेदारी है उसे बच्चों के अधिकारों में बदल के हम बड़ों की जिम्मेदारी को भी मुक्त करते जा रहे हैं और बच्चों को कह रहे हैं कि अधिकारों के लिए लड़ो? बच्चों के लिए हमको लड़ना होगा, हमको खड़ा होगा, बच्चे तो लड़ ही नहीं सकते, इसीलिए तो हमारी ज़रूरत, तभी बच्चे हैं। अगर बच्चे ही लड़ लेते तो फिर हमारी ज़रूरत ही क्या थी? बच्चे को पता ही नहीं, आज 2.5 साल के बच्चे को, 3 साल के बच्चे को या 5 साल के बच्चे को क्या पता कि मैं कहाँ पर किस तरीके से गलत परिस्थितियों में फंसता जा रहा हूँ या मेरे अधिकार क्या है? तो डेफिनेटली उनकी इनोसेंसी को बचाने के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए हमको ही आगे आना होगा। हम बात तो अधिकारों की करते हैं, कानूनों की करते हैं, तमाम चीज़ों की करते हैं, लेकिन नज़र में आ रहा है शिक्षा की व्यवस्था, शिक्षा की जिस तरह की पद्धति है, वो सारे कहीं ना कहीं उनके अधिकारों का हनन करती जा रही है। हम व्यवस्था दृष्टि से, मैंने पूरी तरह से व्यवस्थागत उनके अधिकारों का हनन करते जा रहे हैं, उनके हमले बच्चों के खेल के मैदान अतिक्रमण के शिकार हो रहे हैं, हमले बच्चों के जो सड़क हैं वहाँ उस पर सुरक्षा नहीं है, तो बाहर निकलने को उनके लिए सुरक्षा की बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं, तो ऐसे में जो बाल अधिकारों का जो मामला है वो कितना प्रभावी? मैं तो उन बच्चों की बात कर रही हूँ जो खेलने की बजाय कहीं नशे में फंसे हुए हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ जहाँ पे चाइल्ड ट्रैफिकिंग हो रही है, मैं उनकी बात कर रही हूँ जहाँ पर सेक्सुअल हैरेसमेंट हो रहा है, या बच्चे नशे के शिकार हो गए, या बच्चे कहीं भटक गए या खो गए हैं या घर से भाग रहे हैं या गलत हाथों में पड़ गए हैं, और छोटे छोटे बच्चे गलत गलत काम करने लगे हैं, तो उनके लिए तो खेलने जैसा सब्जेक्ट ही नहीं बचा, वो गार्डन में तो खेल ही नहीं पाते, तो बचपन ऑल ओवर बहुत बुरी तरीके से शिकार हो रहा है, और उसमें पूरे हालात जिम्मेदार है, हालात ही कुछ इस तरीके के हो गए कि बच्चा खेल का मैदान तो है लेकिन खाली है, क्यों? क्योंकि वो मोबाइल में लगा हुआ है, क्योंकि वो कंप्यूटर में लगा हुआ है, क्योंकि वो छोटे छोटे कंप्यूटराइज या वीडियो गेम्स में लगा हुआ है, या फिर वो इस तरीके की टेक्निकल चीज़ों में लगा हुआ है कि आपके और मेरे जैसे गुल्ली डंडा खेलना या पैलदूज खेलना, या वो कहीं छूटता जा रहा है,
तो उस चीज़ के लिए इतनी डिमांड्स भी नहीं होती. बच्चे कहीं खुद ही कंप्यूटर और टेक्निकल चीज़ों में फंसते जा रहे हैं, हमें उनको उनसे निकालना होगा. सड़क की बात जहाँ तक आप कह रहे हैं कि जो सड़क पर जीने वाले बच्चे हैं वो तो सड़क के बहुत एक्सपर्ट हो जाते हैं, और सड़क में जो आम लोग हैं, आम जनता है, उनको थोड़ा विजिलेंट रहना होगा. स्कूल के आसपास काफ़ी बोर्ड्स लगे होते हैं, लेकिन सब लोगों को थोड़ा सा इसमें प्रिकॉशंस. हाँ जी, बड़ा सवाल ये उठता है कि आपने बिल्कुल कहा कि बच्चों को बाल मजदूरी में जबरन डाला जा रहा है, बच्चे घर से भाग रहे हैं, बच्चों का अपहरण किया जा रहा है, बच्चों को इस तरह के जरायम पेशे धंधों में भी लगाया जा रहा है. ये सारी की सारी बातें उनके अधिकारों के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई हैं. लेकिन इतने अधिकार बन गए, इतने एक्ट बन गए, इतनी संस्थाएं बन गई, इतने लोग भी खड़े हो गए, लेकिन ये जो अपराध हैं बच्चों के प्रति, बिल्कुल ये लगातार बढ़ता जा रहा है. इसके पीछे क्या लगता है, क्या कारण क्या है, बेसिक जो ये प्रॉब्लम सॉल्व क्यों नहीं हो पा रही? कानून के साथ तो सॉल्व होनी चाहिए थी चीज़ें. कानून किस लिए है? कि गलत होता है इसलिए कानून है. बात यह है कि गलतियाँ बढ़ती जा रही है, उसके पीछे रीज़न ये कि नेगेटिविटी, फ्रस्ट्रेशन, डिमांड्स, डिज़ायर्स, एम्बिशंस, क्यूरियोसिटी फॉर लाइफ, जो लोगों की एकदम बे इंतहा हो चुकी है. बचपन में 5 साल के बच्चे से हम ये पूछ लेते हैं तुम बड़े होकर क्या बनोगे, ओवर एम्बिशन. हम पेरेंट्स ही कई बार इस चीज़ के लिए जिम्मेदार होते हैं कि तुम्हें बड़ा होकर ये बनना है, तुम्हें ये करना है, ये सारी चीज़ें, और नेगेटिविटी, लैक ऑफ ह्यूमैनिटी. लेकिन मुझे लगता है कि ये बैलेंसिंग कम हो रही है, अच्छाई और बुराई की बैलेंसिंग बहुत कम हो रही है, जिसके कारण से हमारे बच्चों में नेगेटिविटी आती जा रही है. आपने जैसे कहा कानून इस बैलेंस नहीं कर सकता, बिल्कुल. आखिर में क्या तरीका है? क्योंकि सवाल ये खड़ा हो रहा है कि जैसे जैसे सामाजिक व्यवस्थाओं का विकास हो रहा है, जैसे जैसे हम आधुनिक होते जा रहे हैं, जैसे जैसे विज्ञान और विकसित होते जा रहा है, वैसे वैसे बचपन खोता जा रहा है, वैसे वैसे बच्चे की सुरक्षा का सवाल खड़े हो रहा है, बचपन ख़त्म होता जा रहा है, बच्चा बचपन में ही जवान हो रहा है. तो क्या लगता है कि कैसे होगा ये सीनेरियो चेंज? क्योंकि बड़ा बहुत मुश्किल हालात हैं, क्योंकि हर घर में एक बड़ी ये समस्या. कहीं पे हमारे आधार, हमारे बेसिक्स, हमारे एथिक्स कमज़ोर हो रहे हैं, हमारी मॉरेलिटी कहीं पर ख़त्म हो रही है या कम हो रही है, तो उसको हमें बढ़ाने की और बैलेंसिंग करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत. आयोग से तो ये की जाती है कि यहाँ भी बाल अधिकारों की वही बात हो, वही झंडा बदार हो, जिस तरह से अमेरिका और यूरोप में बाल अधिकारों की बात उठती है. और आप तो पुरानी बातें कर रही हैं, आप तो पुरानी जड़ों के लॉर्ड. क्या लगता नहीं है इन दोनों के बीच में बहुत ही बड़ा टकराव है? क्योंकि लोग कहते हैं कि अब माँ बाप को वो अधिकार नहीं है कि बच्चे के थप्पड़ मार दे, ये तो उसका अधिकार हो गया है. अगर कुछ गलत हो रहा है तो वी आर देयर टू हेल्प, टू कोऑपरेट. लेकिन दूसरी तरफ ये हो ही ना, उसकी प्रिवेंशन, उसकी प्रोटेक्शन के लिए भी हमें पॉजिटिव वेव्स तो लेकर आनी पड़ेगी. जिस तरह से पहले जो पति पत्नी के संबंध थे हमारे संस्कारों में, हाँ, उसमें बड़ा एक बहुत ऐसे संबंध थे जिसमें कहीं तीसरा व्यक्ति घुसता नहीं था. अब तो पूरी तरह से कानून घुसा रहता है, और महिला अधिकारों का जो एक आंदोलन चला और जिसने पूरे फिज़ा को बदल डाला है, अब तो हर महिला झंडा उठा के पति को बाहर करने में लग जाती है और संघर्ष में. नहीं नहीं, मैं आपको इसका जवाब दूं. संघर्ष में तो क्या लगता नहीं कि ऐसी स्थिति बाल अधिकारों को लेके आ जाएगी? मैं आपको एक बात बताती हूँ, जो बाल अधिकार की बात हो चाहे आपने हस्बैंड वाइफ की बात की, इसमें एक बहुत सिंपल सी बात है. हमारे संस्कारों में और हमारी संस्कृति में पहले जॉइंट फैमिलीज भी होती थी, तो बड़े बूढ़े ही हमारे कानून होते थे, हमारी समझाइश करते थे, हमारी काउंसलिंग करते थे, जो कि आज बाजार में होता है कि है ना, कि महिला आयोग है या बाल आयोग है, वो समझाइश कर रहे हैं, वो समझा रहे हैं. और वो सही दे रहे हैं या गलत दे रहे हैं ये पता नहीं. नहीं, बात सही और गलत की तो अभी आ ही नहीं रही है, बात तो अभी कानून की आ रही है और सिस्टम की आ रही है कि अब इन चीज़ों के बीच में, पति पत्नी के बीच में पहले कोई नहीं था, पहले बीच में कोई नहीं था, पहले साथ था, और अभी कानून साथ है. तो वो सास ससुर, दादा दादी, ददिया सास ससुर, नाना नानी, चाचा चाची, वो पहले समझाइश कर लेते थे, घर के मुद्दे घर में बड़े छोटे मिलकर एक कर लेते थे. अभी जब घर में न्यूक्लियर फैमिलीज हैं और सारी चीज़ें हैं, तो कौन समझाएगा? फिर कानून आएगा, फिर वो समझाएगा. तो ये चीज़ें कहीं पर छूट रही हैं तो दूसरी चीज़ें एंट्री भी कर रही हैं. आपकी एक टांग कट जाती है तो बैसाखी आ ही जाती है. तो क्या लगता नहीं है कि ये जो अधिकारों का जो एक प्रवाह शुरू हुआ है, संस्कार खत्म हो रहे हैं, व्यवस्थाएं खत्म हो रही हैं पुरानी, इन्होंने और ज़्यादा दुराव और ज़्यादा खतरा बचपन के लिए पैदा कर दिया है? मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि खतरा पैदा कर दिया है. देखिए, पैरेलल अब कानून तो खड़ा हो ही गया है,
जो पहले भी था, पहले भी काम करता था, लेकिन जितनी समस्याएं और चुनौतियां आती जा रही हैं हम अमेंडमेंट उस हिसाब से करते जा रहे हैं। जैसे अभी आपको पता चला कि 16 साल तक के बच्चों के लिए ये हो गया कि अगर वो क्राइम करेंगे और उसकी कैटेगरीज बांट दी गई, बहुत सारी चीज़ें। तो ऐसा नहीं है कि पहले ये चीज़ें नहीं थी, पर पहले कम थी, पहले कम थी। ऐसा नहीं है कि पहले कभी रेप केसेस नहीं होते थे, पर अब ज़्यादा हैं, अब चीज़ें ज़्यादा खुल के सामने भी आने लगी। जिस तरह से घरेलू हिंसा और इन सब को लेके कानून बने हैं, दहेज को लेके कानून बने हैं, उसके बाद सब कहने लगे हैं कि शादी से पहले ये कानून पढ़ लेने चाहिए जो भी जिसकी भी शादी होती है। तो ऐसा लग रहा है कि बच्चों को भी अपना बचपन शुरू करने के साथ ही अपने अधिकारों के कानून को पढ़ना पड़ जाएगा, उनके ऊपर एक और बोझ लाद दिया जाएगा। भई तुम बचपन के उस दौर से गुजर रहे हो, तुम्हारे अधिकार ये हैं, ए बी सी डी, ए बी सी डी। इट्स ट्रू। तो इससे और पूछने लग जाएगा, पहले से ही जो बचपन में एक खुली हवा में जीता था, निष्फिक्र होकर चलता था, जो कागज़ की कश्ती, बारिश के पानी की, जो उसका बचपन था, वो लगता नहीं है कि इन अधिकारों के बोझ के तले उसको कानून की धाराओं के जरिए और खींचतान में वो सब भूल जाएगा उसका। ये सच्चाई है, ये हकीकत है आज के समाज की, कि हमें इस चीज़ को हाथ में साथ में लेके चलना पड़ेगा। मनन जी, यहीं आपने कहा कि हकीकत, यानी कि समाज बदल गया। आखिर में समाज ऐसे क्यों बदल गया जो बचपन की भी चिंता नहीं कर रहा? क्या इसके लिए अर्थव्यवस्था जिम्मेदार है, आतंकवाद जिम्मेदार है, कौन है जिम्मेदार? आखिर में बचपन को खत्म करने के लिए कौन है जिम्मेदार? चिंता की जा रही है, कानून और बचपन, और बचपन और कानून अब बिल्कुल अच्छे तरीके से जुड़ चुके हैं। बच्चों को हमें इसको समझाना होगा, बच्चों को समझना होगा, लेकिन दूसरी तरफ आपको और हमको मिलके इसको बैलेंस करने के लिए साथ में अपने बच्चों को, जो पहले हो गया सो गया, लेकिन आज हमें उनको रीनर्चर भी करना पड़ेगा, हमें जड़ों की गुड़ाई भी करनी पड़ेगी कि कहीं पर हम अपनी संस्कृति, अपने संस्कार, अपने बचपन को बचा पाए। मनन जी, यही एक बात है कि एक और हम कहते हैं कि बचपन के ऊपर पढ़ाई का बहुत बहुत ज़्यादा है। बचपन को हम अभी से ही लक्ष्यों की ओर बांध रहे हैं, हम अपने टारगेट पे बच्चों को बिठा कर और शूट कर रहे हैं। बचपन का, बच्चों का बचपन खोता जा रहा है उसमें। क्या लगता नहीं है कि कहीं ना कहीं जो संवेदनहीनता है समाज की, वो इसके लिए कहीं बहुत बड़ी जिम्मेदार है? और हमारे पास ऐसा कोई कानून नहीं है कि हम लोगों को सेंसिटिव कर सकें? एक बहुत ही अजीब सा शब्द है, कंपटीशन और कंपैरिजन, डिज़ायर और डेस्टिनेशन, और उसी को बना लेते हैं हम डेडिकेशन और डिटर्मिनेशन। बेसिकली उसका बच्चा ये बन गया, हमारा बच्चा नहीं बना, उसका बच्चा इस स्कूल में पढ़ रहा है, हमारा नहीं बन रहा है, उसका बच्चा इतना इंटेलिजेंट है, हमारा नहीं है, ये सारी चीज़ें, सो मैनी थिंग्स। तो हमने कहीं अपनी चीज़ों को उन बच्चों पर थोपना तो शुरू किया है, और अगर हम नहीं थोप रहे हैं तो हमको ये भी पता है कि हमारा बच्चा हमसे कहेगा, आपने हमें उस वक्त क्यों नहीं जगाया, आपने उस वक्त हमें, आपने हमारे करियर पे ध्यान क्यों नहीं दिया। सिस्टम इतना अजीब सा हो गया। बेसिकली 5 साल से पहले तो बच्चे को स्कूल नहीं भेजना चाहिए, लेकिन अभी आप देखिए कि माता पिता अगर जॉब कर रहे हैं तो उनका बच्चा तो क्रैच में पढ़ रहा है। अब वो क्रैच किस सिचुएशन में है, क्या है, मैंने तो अभी आते ही सबसे पहले ये बात की कि कितने क्रैच रजिस्टर्ड है जी, क्योंकि 1 साल का बच्चा सी बोल नहीं सकता, वो किस पोजीशन में काम करे, तो अभी मैं उसका डाटा कलेक्ट कर रही हूं। मेंटल डेवलपमेंट कैसे हो? दूसरा, स्कूल, स्कूल में आप देखो प्रिपरेटरी स्कूल में डाल देते हैं, प्राइमरी स्कूल मतलब प्ले ग्रुप के नाम पर हो रहे हैं, तो माता पिता के लिए ये बहुत अजीब सी चीज़ों के काम करना भी जरूरी है। मुझे ये लगता है कि हमको अपनी स्थिति को देखे, और हम, पता है सबसे बड़ी बात मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि हम छोटी छोटी खुशियों को खोते जा रहे हैं बड़ी बड़ी ख्वाहिशों और तमन्नाओं को पाने। मनन जी, लगता नहीं है कि हम बच्चों को भी प्रोडक्ट मानने लगे हैं, जैसे जो हम फैक्ट्रियों में चीज़ें बनाते हैं और इसलिए हम उसकी ब्रांडेड जो बच्चे हैं वो निकालने चाहते हैं। इसमें चर्चा जारी रखेंगे, अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।